हेलो एवरीवन, माइसेल्फ उदय सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी, और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर यानी बंद क्रम को ज्ञात करने की सुपर ट्रिक के बारे में, आसान तरीके के बारे में। तो जो सुपर ट्रिक है उसमें जो टेबल है ये आपको रखनी है याद। यहाँ लिखा है मैंने सम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का योग, और ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर आबंध क्रम। अगर इलेक्ट्रॉन का योग 10 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, और यदि इलेक्ट्रॉन का यानी जो योग है सम है 11 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, और यदि इलेक्ट्रॉन का जो सम है वो 12 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, और जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, और जब इलेक्ट्रॉन का सम 14 आए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, और जब इलेक्ट्रॉन का सम 15 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, और जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आए, इलेक्ट्रॉन का योग 16 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, और जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 आए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, और जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ये टेबल आपको रखनी है याद, और इस टेबल के बेस पर ही हम करेंगे क्या, जो बॉन्ड ऑर्डर है किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब यहां देखिए, हमने एग्जांपल लिया, यहां लिखा है मैंने CO+। इस आयन के लिए हम करेंगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर को हम ज्ञात करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो सुपर ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो टेबल है, देखिए आप यहां पर, ये है CO+। इसमें हम करेंगे क्या, पहले जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए, इसमें है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गए कार्बन की। प्लस साथ में कौन है, ओ यानी ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या उड़ेंगे, 8 उड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, 8 उड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। ऊपर लगा हुआ प्लस चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज जब भी आए उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको कम कर रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। तो यहां देखोगे आप, जो टोटल आएगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6+8, ये हो गया आपका यहां पर 14, मैं से एक गया कितना बचा यहां पर, ये हो गया आपका 13 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ गया सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं जब 13 आए तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, यहां ध्यान रखेंगे इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आपको ज्ञात होगा मिलेगा वो हो जाएगा यहां पर 2.5, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप यहां पर ले लें NO+ को, और इसमें आप करें क्या, जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको आप करें आइडेंटिफाई, डिटरमाइन करें, तो बिल्कुल सेम आप यहां पे करेंगे क्या, इसमें भी सबसे पहला काम क्या होगा कि जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप पता लगाएंगे। यहां कौन है, नाइट्रोजन, एटम नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 7, हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें आप करोगे क्या, यहां पर इसमें साथ में आपको दिया हुआ कौन है, ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया आपके 7 इलेक्ट्रॉन प्लस साथ में ऑक्सीजन है, इसका होता है 8 एटम नंबर, इलेक्ट्रॉन हो गए 8, यहां पर प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे आप इसमें से कम कर दोगे, तो देखिए आप यहां पर जो सम आएगा वो क्या आएगा वो देखिए, तो ये हो जाएगा 8+7, ये हो गया आपका 15, मैं से एक गया क्या हो गया, ये हो गया आप पर 14 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया सम। और आप जानते हैं जब 14 आए तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा यहां पर इस केस में, जो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो हो जाएगा यहां पर 3, तो NO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो गया 3। अब क्या किया आपने, यहां पर ये जो O2 लिया है, O2 इसके लिए आप यहां निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर को,
तो वही सेम काम करोगे आप जो भी आपको मैंने बताए हैं। सबसे पहला काम O2 में आप क्या करोगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन को करोगे आप कैलकुलेट। O2O यानी ऑक्सीजन, एटम नंबर 8, इलेक्ट्रॉन होंगे 8, दो एटम हैं तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के यहां पर आपको मिला क्या, और कोई चार्ज है नहीं तो कुछ लगाओगे नहीं आप यहां पे, और ये हो गया आपका 16 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का सम 16 मिले तो इस केस में आप देखेंगे जो बॉन्ड ऑर्डर, इस केस में आपको यहां मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस टेबल को फॉलो करते हुए हमने ये तीन एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। अब यहां पर जो आपको दिए गए हैं आयन या मॉलिक्यूल, उनमें हम डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो पहला है हमारा O2 प्लस। अब आप जानते हैं O2 यानी इसमें दो हैं ऑक्सीजन के एटम, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो क्या हो गया दो हैं तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे इसमें से आप कम कर देंगे, तो यहां जो आपको सम मिलेगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 16 में से एक गया, क्या आएगा 15 इलेक्ट्रॉन, ये आपको यहां पे मिल गया सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं जब 15 हो तो उस केस में आप देखोगे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब आप यहां पर सी एन प्लस का आप बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करेंगे। अब आप देखिए सी कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, तो इसके क्या हो गए यहां पर, ये तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, नाइट्रोजन का होता है 7, तो इसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर लगा हुआ क्या है प्लस चार्ज है, एक चार्ज है तो माइनस कर दोगे आप 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए आप यहां पे आपको मिलेगा क्या, इस केस में आप देखोगे 6 प्लस 7 ये हो गया आपका 13 में से एक गया, क्या मिला आपको यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन, ये आपको यहां पर मिल गया सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब 12 होगा तो आप देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर ये आपको कितना होगा, ये हो जाएगा 2। बिल्कुल सिमिलरली आप देखिए आगे NO और इस पर कोई चार्ज नहीं है, N नाइट्रोजन में होते इलेक्ट्रॉन कितने 7, प्लस किया आपने यहां पर फिर क्या लिखा है ऑक्सीजन, इसमें होते कितने 8, 8 इलेक्ट्रॉन और कोई चार्ज है नहीं, केवल आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको यहां पर 7 प्लस 8 ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, ये आपको यहां पर मिला सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। और आप जानते हैं जब 15 होगा तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर यहां आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहां पर 2.5। अब यहां देखिए अगला सी एन नेगेटिव, अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए आप सी कार्बन, कार्बन का होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए कार्बन के, प्लस किया आपने यहां पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब नेगेटिव चार्ज है ऊपर, एक है नेगेटिव तो आप यहां प्लस कर दोगे क्या 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, तो यहां देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां पर जो सम आएगा वो क्या आएगा, देखिए 6 प्लस 7 ये तो हो गया कितना 13, एक आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया यहां पर क्या 14 इलेक्ट्रॉन। और एक बात आप जानते हैं जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहां पर उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आपको यहां मिलेगा BO यानी बॉन्ड ऑर्डर, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर 3। अब यहां देखिए यह CN, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहां देखोगे आप होगा क्या, कार्बन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस किया आपने यहां पर नाइट्रोजन का क्या होगा यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है नहीं, आप दोनों को ऐड करोगे तो यहां जो आपको वैल्यू मिलेगी ये क्या हो जाएगा, देखिए आप यहां पे 6 प्लस 7 ये हो जाएगा यहां पर 13 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया है कितना है 13 है,
और आप जानते हैं जब 13 आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन का योग, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में आप यहां देखोगे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2.5, ये आपको मिलेगा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम। इस प्रकार से इस सॉल्ट ट्रिक के द्वारा आप किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको आप विद इन 10 सेकंड आप ज्ञात कर सकते हो 10 सेकंड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।